बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर मुश्किलों में पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। जी हां, ताज़ा खबरों के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी। ये आरोप साबित करने में प्रोसिक्यूशन फेल हो गया था। एज यू नो, हिट एंड रन की ये घटना 28 अक्टूबर 2002 की है। इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों पर कथित तौर पर सलमान ने अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी चला दी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विलप क्या होता है सलमान खान का, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।